चातुर्मास का समय है, कुछ भाग्यशाली श्रावकों को गुरु भगवंतों का सानिध्य मिल रहा है। हमारे जैन धर्म का मूल सिद्धांत है कि तपस्या के माध्यम से करोड़ों भव के कर्म की हम निर्जरा कर सकते हैं, लेकिन इंद्रियों को जीतना बड़ा कठिन है। जब कोई तपस्या से जुड़ जाता है तो हमारा मन उस तपस्वी की अनुमोदना के लिए लालायित हो जाता है। आपको ज्ञात है कि व्रत, संयम और तप की मूर्ति साधना महोदधि उभय मासोपवासी परम तपस्वी अंतर्मणा श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का शाश्वत तीर्थराज सम्यक शिखर जी में 557 दिवसीय सिंह निष्क्रीडित व्रत तथा उत्कृष्ट मौन साधना चल रही है। आचार्य श्री तथा अंतर्मणा में हमें भगवान महावीर का प्रतिबिंब नजर आता है। ऐसे संत इस युग में हमें मिले, यह हमारा सौभाग्य है। उनकी इस कठोर साधना से अनेक संकटों से हम सामना कर पा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी हो या अन्य कोई संकट हो, उसका प्रकोप अवश्य कम होगा। हमारे मित्र, हमारे मार्गदर्शक पैठन के मुनिसूरत भगवान के प्रति समर्पित हैदराबाद निवासी परम श्रद्धेय श्री मनोज जी चौधरी पूज्य गुरुवर की प्रेरणा से 80 दिवसीय यानी 60 दिन के उपवास और 20 दिन के पारणा के साथ लघु सिंह निष्क्रीडित व्रत जैसे कठोर व्रत को पूरा कर रहे हैं। भारत देश में आप एकमात्र ऐसे श्रावक हैं जिन्होंने कठोर साधना करने का निर्णय लिया है। मनोज जी चौधरी ने अब तक कई व्रतों का अंगीकार किया है। मनोज जी ने नागपुर, बेंगलोर तथा अहमदाबाद में 16 कारण व्रत, रसों के त्याग के साथ पदमपुरा में 64 दिवसीय रिद्धि व्रत, कौनकौली व्रत आदि ऐसे व्रतों का अंगीकार किया है। आपकी साधना उत्कृष्ट और प्रेरणा स्रोत है। आने वाले 8 अक्टूबर 21 को श्री दिगंबर जैन बीज पंथी कोठी में आपका पारणा संपन्न होगा।